नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल परिहार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप स्टडी सेंटर में मुकुल सर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं उपासना स्थल कानून 1991 के बारे में। क्या है उपासना स्थल कानून जो अभी वर्तमान में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है? तो चलिए आज चर्चा करेंगे। मैं मुकुल परिहार, 2 टाइम UPSC CDSAT रिटर्न क्वालिफाइंग टीचर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका UPSC सिलेबस में ये टॉपिक बनेगा, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। इसका टॉपिक है उपासना स्थल अधिनियम, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत हम बात करने वाले हैं। तो रामकृपाल जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने आपका कमेंट पढ़ा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि हमारे जो भारत के अंदर जो सिक्किम था उसको एक स्वायत्त राज्य के रूप में वो अपने आप को समझता था, लेकिन बाद में फिर उसने अपने आप को भारत में शामिल कर लिया था जनमत संग्रह के माध्यम से। तो जरा कमेंट करके आपको ये बताना है कि आखिर सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य घोषित किया गया था और कब वह भारत का राज्य बना था। तो चलिए हम आते हैं आज की क्लास के टॉपिक पर। बात करने वाले हैं वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो सर्वेक्षण कराए जाने के खिलाफ दायर की गई एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई है कि जो अभी वर्शिप एक्ट 1991 बना था PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय, वो उसका उल्लंघन है। एक मुस्लिम संगठन के अनुसार वीडियो सर्वेक्षण उपासना स्थल अधिनियम 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन माना गया है, ये उनका मानना है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी देता है, वो आप लोग टिप्पणी जरूर पढ़िएगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा जरूर। तो संबंधित प्रकरण क्यों आए ये वर्तमान में? तो हाल ही में वाराणसी में एक अन्य म्युनिसिपल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। इस सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग के समान दिखने वाली संरचना की खोज की गई। देखिए, ना तो आप इसको शिवलिंग कह सकते हो ना ही आप फव्वारा कह सकते हैं, वो उन दोनों के पक्ष होते हैं। जबकि एक टीचर हो या फिर जो एक जज होता है वह उसको निष्पक्ष समझता है, वो उसको फव्वारे समान आकृति या फिर शिवलिंग समान आकृति कहेगा, ना तो वो शिवलिंग कहेगा और ना ही फव्वारा कहेगा, ठीक ना। विदित हो कि ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ के मंदिर के बहुत समीप स्थित मस्जिद देखी गई है, यानी है ही देखी गई, क्या है वहाँ पे बनी ही हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे उपासना अधिनियम 1991 के बारे में। तो अधिनियम में यह घोषणा की गई है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। इसमें क्या क्या कहा गया है तो चलो बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय की उपासना स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में नहीं बदलेगा। कोई भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वह किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में बदलने का। तीसरा होगा, इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के समपरिवर्तन के संदर्भ में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कोई वाद या अपील या अन्य कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ में उपशमित हो जाएगी और इससे पर आगे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि जितनी भी चीज़ें होंगी इसके अंदर जाके समाप्त हो जाएंगी, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी, ये बात यहाँ पर करी गई है। लेकिन आपको मालूम है हमारे संविधान की जो एक मूल विशेषता है न्यायिक, यानी कि उसको न्यायिक जाँच कर सकता है वो, तो उसी के आधार पर इसकी जाँच चल रही है। अपवाद क्या क्या हैं? तो अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित संदर्भों में लागू नहीं होंगे। पहला, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल जो प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल, अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या कोई पुरातात्विक स्थल या फिर अवशेष। दूसरा होगा, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त मामलों से संबंधित कोई वाद, अपील एवं अन्य कार्रवाई जिसका अंतिम रूप से विनिश्चय, पुनर्परिनिर्धारण या निपटारा कर दिया गया है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तीसरा है, इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यता ज्ञात स्थान या उपासना स्थल से संबंधित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य लागू कानून के ऊपर लागू नहीं होगी। यानी यहाँ पे देखो, मैंने इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था तो इसमें सीधी बात यह करी गई थी कि राम नाम जो राम जन्मभूमि है और बाबरी मस्जिद वाले उसको छोड़कर भारत में जितने भी जो उपासना स्थल हैं
उनको 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति में ही बनाए रखा जाएगा, इस एक्ट के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। लेकिन 2-3 अपवाद आपने यहाँ पे पढ़े हैं, इन अपवादों को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कानून से संबंधित आलोचनाएँ, तो इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह कानून न्यायिक संवीक्षा पर रोक लगाता है, क्योंकि आपको मालूम है हमारा भारतीय संविधान न्यायिक संवीक्षा को रखता है, जो कि उसकी मूल विशेषता है, जो कि संविधान की मूलभूत लक्षण है। इसके अलावा इस कानून में एक स्वैच्छिक तर्कहीन पूर्वव्यापी निर्दिष्ट तिथि कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है, और यह कानून हिंदुओं, जैनियों, बौद्ध, सिखों के धर्म के अधिकारों का संक्षेपण करता है। यहाँ पर बात करी गई है कि ये हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों के धर्मों का अधिकारों का संक्षेपण करता है, लेकिन अब वो तो भगवान जाने। चलो देखते हैं फिर। पहला होगा इसमें आपके लिए एग्ज़ाम के लिए उपासना स्थल अधिनियम कब पारित किया गया, 1991। विशेषताएं क्या हैं ये बताया गया है, उद्देश्य क्या था इसका बनाने का, क्योंकि देखिए जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला आया तो पूरे भारत में इतने ज़्यादा राम यानी मंदिर और मस्जिद से संबंधित केस लगने लगे, तो सरकार ने इसको रोकने के लिए, क्योंकि देश में हमारा सांप्रदायिक हिंसा ना हो, उसको रोकने के लिए ही ये प्रकार के कदम उठाए। कानून के तहत अपवाद बता दिए गए हैं कि भाई जो उस सर्वेक्षण अधिनियम में आता है उसको, राम जन्म और बाबरी मस्जिद वाले उसको, और कुछ कानून के अंतर्गत उनको छोड़कर। मेंस के लिए आपके एग्ज़ाम में बनेगा उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर एक टिप्पणी लिखिए। इंडियन एक्सप्रेस से हमने ये न्यूज ली थी। तो भैया जी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी मैंने बता दिया है, मैंने जो पूछा उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। इस एक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपका उसका आंसर देंगे और कमेंट में भी आपका रिप्लाई पहुंच जाता होगा। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद क्लास लेने के लिए। मैं मुकुल परिहार, 2-time UPSC क्वालिफाइड टीचर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।